हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी फिर से एक बार। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम 2 बड़ा चम्मच बेसन ले लेंगे, क्योंकि हम मूंगफली की नमकीन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने 2 बड़ा चम्मच बेसन लिया है। अब इसमें हम मूंगफली के दाने डालेंगे। तो हमने एक छोटी सी कटोरी मूंगफली के दाने ले लिए हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसका हम मसाला भी बनाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा ही नमक इसमें डाल रहे हैं। और इसमें अब हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें हम लाल मिर्ची डाल रहे हैं, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसको मिक्स करना है। तो हमने थोड़ा सा पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी करके ही हमें इसको मिक्स करना है। बस इसके ऊपर इसकी कोटिंग चढ़ जाए, हमें उतना ही पानी इसमें डालना है। जो हमने मसाला बनाया है वो इसमें अच्छे से चिपक जाए, और जो बेसन है उसकी कोटिंग इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। जैसे हम फ्राई करें तो इसके ऊपर इसकी कोटिंग रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इस तरह से इसके ऊपर कोटिंग कर दी है। अब इसको हम साइड में रख देंगे, और अब हम एक कढ़ाई लेंगे। हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है। ऑयल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा ही गर्म करना है, क्योंकि मूंगफली हमारी कच्ची है तो उनमें वो अच्छे से सिक जाएं। तो हमें इनको एक बार कढ़ाई गर्म हो जाए फिर आप उसको स्लो कर दीजिए। तो गैस को हमने स्लो कर दिया है, और इनको अब हम धीमी आंच पर सुनहरा होने तक दोनों साइड से सिकने देंगे। पहले एक साइड से सिक जाए, इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो इस तरह से हमने सारा इसमें डाल दिया है। तो थोड़ा सा हम इनको उलट पलट करते हुए इस तरह से, ज़्यादा नहीं करना है, बस ऐसे थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देंगे। और हमें इसको अब धीमी आंच पर ही सेकना है, जब तक कि अच्छे से सुनहरे नहीं हो जाते हैं। मूंगफली हमारी कच्ची थी तो पूरी अंदर तक अच्छे से सिक जाए, इसलिए हम इसको दोनों साइड से इस तरह से सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं, हम इसको धीमी आंच पर ही सेक रहे हैं, तब से 1-2 मिनट हो गया है। कितना अच्छा इसमें कलर भी आ गया है। थोड़ी देर हम इसको और सेकेंगे, आप जितना ज़्यादा इसको सेकेंगे उतना ही अच्छा ये क्रंची बनेगा, और मूंगफली अंदर से एकदम से सिक जाएगी। देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरह से आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाना। रक्षाबंधन आ रहा है घर पर, पीनट का नमकीन, और घर का बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है और हेल्दी भी रहता है। हमें मालूम भी रहता है कि हम कैसे बना रहे हैं। बाज़ार का महंगा भी आता है, ये आप बहुत कम सामान में घर पर पीनट का नमकीन बना सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर हम और सेकेंगे, फिर इसको हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये अच्छे से बिल्कुल सिक गया है, जैसा हमें सेकना था। एकदम ब्राउन कलर हो गया है इसका सिकते सिकते। अब ये सारे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, फिर आपको हम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमारा पीनट का नमकीन एकदम कड़क बना है। देखिए आप, आवाज़ आ रही है, एकदम कड़क बना है, जैसे मार्केट में मिलता है सेम वैसा ही बना है। आप इसके ऊपर अगर आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, और इसको इस तरह से आप शाम के नाश्ते के लिए ज़रूर बनाइएगा। और आप इसको महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं, ठंडा होने के बाद इसको एयरटाइट डिब्बे में रखिए आप। हमने थोड़ा ही बनाया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से जितना चाहें उतना बना सकते हैं। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।